स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। इन दिस वीडियो लेक्चर वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4। गिवन हियर ए मैट्रिक्स 4, 5, 3, 4। 2x2 की एक मैट्रिक्स दी गई है। इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो नाउ वी नो ए इज इक्वल टू आई ए, इसकी वैल्यू पुट करिए 4, 5, 3, 4। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नोट करेंगे 1, 0, 0 और नाउ अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर हमें 1 लाना है। 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, R1 को लिखिए 1/4 R1। R1 इंटरचेंज टू 1/4 R1, मैं रो ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1, 5 को लिखेंगे कितना 5/4, ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू, इसको देखिए ये 1 है तो 1 को लिखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ये 0 होगा 0 and 1। नाउ ये स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है यहाँ 0 लाना। 0 लाने के लिए देखिए यहाँ लिखिए R2 को हम लिखेंगे R2 minus 3R। R2 को क्या लिखेंगे, R2 minus 3R। ऐसा लिखने से देखिए क्या बेनिफिट मिलेगा हमें। अब यहाँ हो जाएगा देखिए, फर्स्ट रो तो आपका सेम रहेगा 1, और ये क्या मिला 5/4, ये 3 है, 3 minus 3, ये 0 हो जाएगा। और इसको आप देखें ये हो जाएगा 4 minus 3, से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 15 बाई क्या हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 16 16 माइनस 15 यानी 1/4 आ जाएगा। ये आ गया 1/4 इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ ये हो गया 1/4 0। इसमें देखिए 0 minus 3 करना है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4। 0 minus 3 आप रन करेंगे तो 3/4 हो जाएगा और ये 1 रहेगा। ये हो गया स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप देखें। अब ये जो 1/4 आया हुआ है, 1/4 यहाँ क्या आना है 1, तो 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें R3 को लिखिए 4R3। अब जब R3 को 4R3 करेंगे तब हमें मैट्रिक्स क्या मिलेगी वो आप देखें। यहाँ पे ये हो जाएगा अब फर्स्ट रो तो सेम, सॉरी R3 नहीं, R2 तक ही है तो R2 को लिखना है। R2 को लिखेंगे क्या, R2 ही है तो R2 को लिखेंगे 4R2, दैट मीन्स ये हो गया फर्स्ट को देखिए 1 और ये क्या हो गया 5/4। इसमें देखिए 0 तो 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। इसमें जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये मैट्रिक्स चेंज होके आ गया। इधर राइट हैंड साइड में देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा, ये रहेगा। इसमें चेंज होगा तो ये -3 आ जाएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आ जाएगा इनटू ये स्टूडेंट्स। अब हमें इस प्लेस पे 0 लाना है, किसपे, इस प्लेस पे 5/4 को कन्वर्ट करना है किसमें, 0 में। तो इसके लिए आप लिखेंगे क्या, देखिए R1 को लिखिए R1 minus 5/4 R2 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे देखिए 1 तो ये रहेगा, 0 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 5/4 से 5/4 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करिएगा। ये फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट एलिमेंट के लिए देखिए 1/4 है माइनस 5/4 इंटू क्या है -3, ये वैल्यू है। इसको सॉल्व करिएगा तो ये 1/4 plus 15/4 कितना हो गया 16/4, तो 16/4 माने 4 हो गया, ये फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर 0 है, 0 के साथ माइनस क्या हो जाएगा 5/4 into 4, यहाँ माइनस है ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, 4 कट जाएगा तो ये हमें 5 मिलेगा नेगेटिव साइन के साथ और ये 3/4 हो गया यहाँ पर ये। अब देखिए ये मैट्रिक्स हमें चेंज हो गई, किसमें मिल गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। दिस इम्प्लाइज दैट ये इनवर्स इज इक्वल टू 4 minus 5 minus 3 and 4, ये क्या हो गया, ये इनवर्स की वैल्यू। थैंक यू।